हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम कैलकुलेट करने वाले हैं कुछ इलस्ट्रेशंस जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, जो हार्डली आपको कुछ मिनट ही लगेंगे सॉल्व करने में। हार्डली 1 मिनट से कम टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ये जो इलस्ट्रेशंस है आपको आपके जो फ्रेश इश्यूज है उसका जो नेट प्रोसीड्स है वो कैलकुलेट करना है। तो जब हम नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी जब हम फ्रेश इशू करते हैं तो हमारा जो नेट वैल्यू है वो कितना हमें आएगा फ्रेश इशू से। तो क्वेश्चंस है 1, 2, 3, 4। इशूड 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। इशूड 1,50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। इशूड 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार ओनली ₹8 कॉल्ड एंड पेड अप। इशूड 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर ओनली 9 इंक्लूडिंग प्रीमियम इज कॉल्ड एंड पे। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसका जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे। हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। नंबर वन, प्रीमियम अमाउंट हमें नहीं लेना है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है ₹2 पर शेयर, प्रीमियम आपको इग्नोर करना है। एंड यहाँ पे जो पेड लिखा है, यहाँ पे जो पेड लिखा है वो आपको ध्यान देना है। ओनली ₹8 इज कॉल्ड एंड पेड। ₹10 का शेयर है, ₹8 का कॉल अप प्राइस है और पूरा ₹8 पे किया है। यहाँ पे ₹10 का शेयर है, ₹2 प्रीमियम दे रहा है, लेकिन ₹9 उन्होंने लिया है और कॉल्ड किया और पेड किया, तो यहाँ पे प्रीमियम ₹2 का है, वो हमें यहाँ पे नहीं लेना है। देखिए सिंपल कैलकुलेशन होगा और जो भी आंसर आ रहा है आप लिख कर लीजिए, और हम जब आंसर देखेंगे तब हम वो क्रॉस चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1,50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, ठीक है, एट पार है, तो यहाँ पे 1,50,000 ×10 तो 15 लाख आएगा। सेकेंड वाला भी ऑलमोस्ट 15 लाख ही आएगा बिकॉज हमें प्रीमियम कैलकुलेट नहीं करना है। थर्ड 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार ओनली ₹8 कॉल्ड एंड पेड। कितना हमने कॉल किया है? ₹8। तो 1,50,000 ×8 जब हम करेंगे तो ₹12 आएगा। तो यहाँ पे 15 लाख, 15 लाख एंड ₹12। जब हम फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे तो 1,50,000 इंटू, अब कितना प्राइस लेना है यहाँ पे? 7, 9 में से 2 माइनस करना है, इंटू 7 जब हम लेंगे तो 10,50,000 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। चलिए देखते हैं आंसर्स क्या है। सी 15 लाख, 15 लाख, 12 लाख एंड 10,50,000, ये आपके जो नेट प्रोसीड्स है फ्रेश इश्यूज के वो आपको यहाँ पे दिखाई दिए हैं। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आपने सोचा होगा सर आपने ये क्यों बताया, बिकॉज इन्हीं छोटे छोटे मिस्टेक्स के वजह से आपका जो फ्रेश इश्यूज का जो कैलकुलेशन है वो ख़राब हो जाता है, रॉन्ग आ जाता है। एंड देन उसके बेसिस में जो आप आने वाले सम्स कैलकुलेट करते हो वो आपको आपका पूरा जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग दिशा में, रॉन्ग तरीके से आपको कैलकुलेशन लेकर जाएगा। एक छोटा सा प्लस माइनस भी आपका अच्छा खासा फाइनल अकाउंट, रिडेम्पशन अकाउंट या फिर CRR जो भी हम लोग करते हैं, कैपिटल रिटेंशन स्टेटमेंट, उसमें भी आपको गलत आंसर दिलवा सकता है। तो एक और मैं इलस्ट्रेशन आपको प्रेजेंट करूंगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके सिर्फ 4 या 5 दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करें और 500 सब्सक्राइबर्स के दिशा में हमें लेकर जाए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।